ये कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खाएगा? इसमें बचा ही नहीं, आप क्या खाएगा? कितना लोग है आप घूमने का? पहले बोलो तो सही, क्या आप भी उतर जाए। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मी अरमान। तो आज एक न्यू और फ्रेश व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ श्रीनगर के डल गेट एरिया से। तो डल गेट एरिया जो है वो मैंने आपको पीछे भी विजिट करवाया, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम निकाल के आया हूँ क्योंकि आज संडे है। तो मैंने सोचा यार एक अच्छी तरह यहाँ पे आपको मैं व्यू बता दूँ डल लेक का। तो हम अभी हैं इस बुलवार्ड रोड पे, तो देखते हैं हम आगे कहाँ तक जाएंगे। काफ़ी अच्छे व्यूज़ यहाँ से आ रहे हैं, तो मैं आपको पूरा इसका व्यू दिखाऊँगा जहाँ तक मैं जाऊँगा। इस वक्त बात करूँ मैं तो श्रीनगर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, अराउंड 35 प्लस टेम्परेचर जा रहा है, जो कि यूजुअली यहाँ पे होता नहीं है। और हमें यहाँ पे जो टूरिस्ट का रश है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आगे हम क्या कुछ करेंगे व्लॉग में। तो व्लॉग में डल गेट का ये वाला एरिया आप चेक करें, यहाँ पर हाउस बोट्स आपको साइड्स पर मिल जाएंगे और इसके साथ साथ एक सिमेट्री में आपको चिनार ट्रीज देखने को मिलेंगे। बहुत ही ऑसम और ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का, आप देख लें। ये डल गेट एरिया है जहाँ से डल का गेट स्टार्ट होता है, यानी कि डल लेक का। तो अभी हम डल लेक को ही एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा बहुत अंदर मैं आ चुका हूँ बुलवार्ड रोड पे, यह आप यहाँ से देख सकते हैं। हाउस बोट्स आपको देखने को मिलेंगे जब ही हम बुलवार्ड रोड पे शुरू करते हैं अंदर घुसना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकाराज आपको हर एक घाट पर मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घाट हैं, अभी हम 1, 2, 3 घाट से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको मैं आगे तक विज़िट करवा रहा हूं। ये हाउस बोट्स जो हैं यहां पे टूरिस्ट आके रुकते हैं, या अगर कोई भी जाना चाहेगा तो वहां पे ये अवेलेबल रहती है। इसके पीछे एक पूरी बस्ती आपको देखने को मिलेगी और ये शिकारा राइड्स आपको यहां पे मिल जाएगी। और ये शिकाराज जो हैं ये पूरे डल का चक्कर करवाते हैं जो भी इन्हें बुक करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ से लेके इन हाउस बोट्स तक भी छोड़ने के काम यही करते हैं। तो हम आगे आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा घाट्स हैं इस डल पे, हम देखते हैं कौन से घाट तक पहुँचते हैं। फ़िलहाल हमने सोचा है कि हम नेहरू पार्क तक जाएंगे, यहाँ से आगे हमें बहुत ज़्यादा घाट्स जो हैं आने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो हम नेहरू पार्क की ओर जाने वाले हैं और देखते हैं वहाँ तक हमारा सफ़र कैसा रहता है। ये देखें आप, ये व्यूज़ चेक करें, बहुत ही फ्रेश वाटर आपको मिल जाएगा इस लेक में, इस वाले एरिया में। हालांकि कुछ एक ऐसा भी एरिया जहां पे हमें उतना फ्रेश वाटर नहीं मिलता, लेकिन इस वाले एरिया पे जहां पे टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है, यहां पर साफ़ सफ़ाई आपको देखने को मिलेगी। और ये जो शिकाराज हैं इनका डिज़ाइन देखें, काफ़ी औसम। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए ये एक नई चीज़ होगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कश्मीर की चीज़ तो बहुत ज़्यादा वायरल रहती है, हर एक को पता ही होता है। तो फिर भी कुछ तो एक होगा ही इंसान जिसको नहीं पता होगा। यहाँ से आप देख लें किस तरीके का डिज़ाइन है इन शिकाराज में किया हुआ। और ये हम तकरीबन 7, 8 नंबर के घाट पे आए हुए हैं और अभी तक हमें जो ये शिकाराज हैं इसी तरह लगे हुए देखने को मिल रहे हैं, एक के साथ एक पैरेलल में लगे हुए हैं। और आगे भी हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है देखने को, और हम भी राइड करेंगे या नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ बनता है यहाँ पे। तो ये वाले चेक करें, ऑसम व्यूज़ आ रहे हैं यार, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक और जगह हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमें इस वाली सिमेट्री में शिकाराज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पहले जितने भी हमें इससे पहले मिले हैं घाट्स, उन पे हमें इस वाली सिमेट्री में नहीं मिल रहे थे। इस वाली जगह पर, इस वाले घाट पर हम पहुँचे तो यहाँ पर जो इन्होंने शिकाराज प्लेस किए हुए हैं, इनका थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरफ से भी आप चेक करें, दोनों साइड में इन्होंने इसको इस तरीके से लगाया हुआ है। हालांकि बाकी जो भी थे वो एक आपको रो में मिल जाते हैं, लेकिन ये हमें एक कॉलम में मिल रहे हैं यहाँ से, ये देख लें।
और इसके साथ साथ में हाउस बोट्स आपको देखने को मिलेंगी। ये देख लें भाई डिज़ाइन कैसा रहता है इनका, अंदर से बहुत ही अच्छी सीट बनी रहती है अंदर बैठने के लिए। अगर हम पूरे डल का चक्कर करना चाहें तो आराम से बैठ के कर सकते हैं। आज का जो वेदर है बहुत ही ऑसम है। और मैं आपको एक बात अपनी पर्सनली बता दूं कि मैं जब भी यहाँ कश्मीर में था, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, तो मुझे बहुत डर लगता था इस पानी में जाने से, और तब मैं इन पे गया ही नहीं। हालांकि अब तो मुझे डर नहीं लगता क्योंकि उसके बाद यहाँ पे मैं आया नहीं खास। हालांकि मैं एक और जगह पे जा चुका हूँ लेक में, वो मैंने आपके साथ शेयर करा था। तो यहाँ पे एक भेलपूरी वाले भैया हैं। भैया कितने की देते हो एक? 20 का भैया। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मूरी आता है, चना आता है, सेमी आता है, दाल आता है, मिक्सर आता है, टमाटर, खीरा, प्याज, नींबू। 20 का एक होता है। कितने टाइम में बनाते हो एक? 5 मिनट में बन जाता है। ठीक है, बनाइए हमारे लिए। दो बनाएं एक बनाएं? दो बनाते हैं, मुझे लगता है एक काफ़ी होगा। दो बनाएंगे यार। चलो ठीक है, दो बना दो। भैया आप कहाँ से हो? झारखंड। झारखंड? झारखंड कौन सी जगह से? झारखंड के रहने वाले भैया आपको कश्मीर में मिल जाएंगे बेलपूरी लेके। 20 रुपीज़ की देते हैं। टेस्ट करके बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है टेस्ट करके। अच्छा है, मेरे को भी खाना चाहिए। आपको भी खाना चाहिए, मुझे लगता है आपको भी खाना चाहिए। मेरे तो ये आ गया जी मेरे लिए, आप देखते हैं टेस्ट करके कि ये कैसा है। पैसे कौन देगा? पैसे तू देगा, मैं दूंगा। मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, दे रहे। तो सीन ये हो गया कि मेरे पास चेंज नहीं थी और पैसे इसी को देने पड़ गए। चलो दूसरी जगह मैं देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेहरू पार्क डाक खाना, और इसका आप देख सकते हैं पोस्टल कोड 19001 जो कि श्रीनगर का है। नेहरू पार्क यहाँ पे हमें मिल जाती है, इस डल के साथ में जो हाउस बोट्स आपको दिख रही हैं उसके उस पार। थोड़ा आगे से आपको मैं अच्छे से विज़िट बताऊंगा उसका भी। तो ये मेन रहता है यहाँ पे नेहरू पार्क का जो एरिया है डल के साथ नेहरू पार्क डाक खाना। ये आप देख रहे हो, ये जो है ना मेरे पास ये रह गया है और मेरी चम्मच गिर गई है। इसके पास चम्मच रह गया है और इसका ये गिर गया। अब एक काम करता हूँ मैं, ये इसको देता हूँ, खा ले। गप बन गई। ये कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? बचाई नहीं, आप क्या खाएगा? बचाई नहीं इसमें, मतलब मैंने खा ली, दे दिया तेरे को। थोड़ा सा था यार वैसे। पोस्ट ऑफिस के थोड़ा ही आगे जाते हैं आपको राइट साइड में मस्जिद मिल जाएगी, मस्जिद शरीफ सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह। सलमान फारसी रहमतुल्लाह या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वैसे वो कौन थे यार, ये क्लियर करना मेरे को आप। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से ये रेट लिस्ट लगी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। जो भी यहाँ पे शिकाराज वगैरह लगते हैं या फिर हाउस बोट्स होती हैं, तो सब के रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी लिस्ट। तो ये रहा जी मेन घाट नेहरू पार्क का। बहुत ही ज़्यादा शिकाराज यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि यहाँ से लेके आपको पूरा डल भी घुमा सकते हैं, और यहाँ से लेके वो जो आपको हट्स दिख रहे हैं उस तरफ में एक रेस्टोरेंट भी है, वो नेहरू पार्क का एरिया है। तो नेहरू पार्क जो है वो इस डल लेक के बीचों बीच आपको मिल जाएगी। देख लें आप, यहाँ से जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं वो उस ओर जा रहे हैं, हम भी शायद जाएंगे क्योंकि नेहरू पार्क में आज तक कभी गया नहीं। आपको भी मैं इसके साथ ही विज़िट करवा दूंगा। इस साइड में आप देख सकते हैं एक हट भी बना हुआ है उसके अंदर, तो देखते हैं उधर अंदर क्या कुछ है और अंदर जाके चलते हैं, विज़िट करते हैं हम नेहरू पार्क, कुछ ऐसा ही हम सोच रहे हैं फ़िलहाल जाने का। तो अभी इन शिकाराज वालों से हम बात करेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि इधर जाने का कितना चार्जेस है, क्या कुछ है, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम होगा नेहरू पार्क विज़िट। अभी तक तो मैं कभी गया नहीं हूँ यहाँ इस वाले पार्क में। यहाँ से आपको मैं थोड़ा बहुत इधर से व्यू दिखा देता हूँ। चिनार के कुछ ट्रीज़ देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, बाकी और क्या कुछ है वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो आई होप यार आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अब तक पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ विज़िट ऑफ नेहरू पार्क। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको किसी भी रीज़न से ये व्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट
व्लॉग जो कि होने वाला है नेहरू पार्क के अंदर का, इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।